का है और ये मंदिर है और काली माँ का ये मंदिर। ये काली माँ का जो मंदिर रहा और ये बट टोला है, क्योंकि भाई कलकत्ता ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे काली माँ को एकदम मतलब विधिवत पूजा किया जाता है। बांग्लादेश दोनों, बांग्लादेश में भी क्यों क्यों कलकत्ता करता है मालूम है? क्यों? तांत्रिक साधना। क्या? तांत्रिक लोग रहते हैं। अच्छा तांत्रिक। काली माँ का साधना करके बहुत कुछ मिलता है यार। ऐसे अच्छा साधना नहीं है, सात्विक नहीं है। अच्छा। ऐसे मांस वगैरह हाँ। चलता है किसी किसी काली, बहुत कुछ है यार। यूट्यूब में सर्च करोगे ना, कोई कोई काली माँ में, काली पूजा में बलि नहीं होता मालूम है? छठ बलि नहीं होता। जहाँ काली माँ का पूजा इसीलिए होता है कि मतलब आदमी कोई कोई करता है खराब कर। हाँ। तांत्रिक लोग कुछ खराब मतलब करते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू बोलते हैं। तो काला जादू वगैरह मतलब करने के लिए लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग को गुरुद्वारा में चल सकते हैं। दरवाजा बंद होने की एक तो ब्लॉगिंग होता है बिहार से, कैसे थे बिहारे बाड़ी हमारे बाड़ी थे आज से कई दिन आई बोल रहा हूँ तो एक ब्लॉगिंग कर लो। बंद कर दिए सर, खुला आते तो देखिए जी। शरीर भला आते तो भाई गुरुद्वारा बंद हो गया था भाई। मतलब हिंदी में बात करने के लिए लोग मिल गए आंटी। और तो आंटी आप लोग यहीं रहते हो? आप यहीं रहते हो तो आप लोग यहाँ कब के रह रहे हो? 23 साल से रह रहे हो आप? 24 तो मतलब कि 24 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और बगल में आपको गुरुद्वारा है देखिए, तो गुरुद्वारा कहीं आप लोग देखभाल करते हैं यहाँ पे रहते हैं गुरुद्वारा के अंदर। और ये बना हुआ है देखिए गुरुद्वारा वॉल्ट टिनी 1946 तो 1946 का बोल्टिन का जो है उस टाइम का है और बना हुआ है बना भाई बहुत खूबसूरत है। और देखिए यहाँ पे अंदर में लोग उससे पहले भी जगह है अंग्रेज के जमाने में, अंग्रेज के जमाने से पहले। तो मुझे भाई जी बांध रहे हैं क्योंकि गुरुद्वारा एक पवित्र जगह है और लोग ऐसे करके अपने माथे पे बांध के जाते हैं सम्मान दिखाने के लिए। तो भाई जी भी बांधते हैं मोटा मोटी रहे से हो गया जल्दी की करबे एकदम। हां रख लो ना ऐसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलो अंदर चलो आप चलो ना। हम तो हम लोग अब प्रणाम कर लो। तो हर कोई वैसे यहाँ पे गुरु नानक जी का ये चीज़ें है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे आकर ब्लॉगिंग नहीं कर सकता। अब तो ये पर्सनल लोग हैं तो हम लोग आ गए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, नहीं तो वैसे ब्लॉगिंग करने के लिए अलाउडेड नहीं रहता है ऐसे जगह पे। तो पर्सनल है तो लोग आ गए। तरवा किधर गए? इधर पे फर्स्ट में होगा उस साइड आ गए यहाँ पे आगे तो नहीं है। तौरवा ये है ना ये देखिए तलवार दिख रहे लाइट आ रहा है। हाँ। बहुत धारी इसका। तो ये पूरा घूमने वाला जगह है जैसे लोकल होता है वैसे कुछ है। किससे बात करता है? व्लॉग में बोलता है सब। ये सब पर्सनल चीज़ें हैं भाई, हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन लोग अलग से मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि मतलब मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इस जगह पे, क्योंकि ये एक लोकल जगह है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये घूमने का जो जगह होता है ना, तो ये बगल में आप जैसे आओगे तो ये पूरा पूरा जंगल वगैरह जो है
वो भी आपको घूमने के लिए मिल जाएगा। इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है। तो आप यही सोच रहे होंगे ना कि ये गुरुद्वारा में लोग कैसे चले जाते हैं। तो गुरुद्वारा एक पवित्र जगह है जहाँ पे हर किसी को वीडियोस बनाने के लिए अलाउडेड नहीं होता है, लेकिन तो अलग अलग सबका। लेकिन मैंने, मेरे को फिर भाई ने बोला कि तुम चलो दाल पूरी खा लो, तो मैंने दाल पूरी जा करके नाश्ता कर लिया। तो हाँ, तो फिर उसके बाद तो हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं। और चलिए आंटी बाय बाय, आंटी बाय बाय, मिलेंगे आएंगे दोबारा। तो आएंगे दोबारा यहाँ पे अगर कभी ऐसा हो तो। बस यही दुआ कीजिए कि हम जितना आप लोग के साथ से सपोर्ट से मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहे, और हर जगह पे आप सबको मिलता रहे। मैं तो थैंक यू सो मच। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं आगे के साइड में, फिर उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा कि यहाँ से गंगा नदी है वो रिवर घूमने के मूड में हूँ। तो यहाँ से चलते हैं पहले।